अच्छी बात करते हैं। मेरा फोन नहीं चलना, सुन क्या होता है फूड सप्लीमेंट? ये चल रहा है तो इस त्यौहार के मौके पर रूटीन में भी हम चेकिंग करते हैं, तो हमारी चेकिंग जो है वो चलती रहती है। तो आज पार्टिकुलरली सुनकोट बाज़ार का मैंने दौरा किया और मेंढर बाज़ार का मैंने कल दौरा किया था। तो क्या कहेंगे, वाटर मिलन का वो था लेकिन वो ऐसा नहीं है, टेस्ट के लिए कलर जो उसका ऊपर से कलर करते हैं उसके लिए टेस्ट किया है, तो वो कलर नहीं है उसमें कोई भी, तो इतना कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें कोई ऐसा केमिकल या कोई ऐसा लोग खा सकते हैं, मैं खुद खा रहा हूँ उसको, तो आप भी खाइए। और बाज़ार की सूरत हाल जो है उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है, बस यही मैं कहना चाहूँगा। रजिस्ट्रेशन का आजकल ऑनलाइन पोर्टल खुला हुआ है, तो जब भी ऑनलाइन करते हैं तो जब वो FSO के पोर्टल में आता है तो हम उसको ओके कर देते हैं, तो वो जनरेट हो जाता है। मार्केट के लोगों से मैंने यही कहा है कि साफ़ सुथरा सामान बेचें, रमज़ान शरीफ चल रहा है, और रमज़ान शरीफ ना भी हो तब भी वो अपनी ईमानदारी से अपना सौदा पत्र जो है उसको बेचें, और ताकि उनको भी कोई परेशानी ना हो, तो उनको भी कोई हम भी उनको परेशान ना करें। थैंक यू। फूड सेफ्टी वैन भी लाई थी आपके सामने, हमने टेस्ट करके बताया है ऐसा कुछ नहीं है, किसी आदमी को कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसके हमने स्पेशली लेबॉरेटरी में टेस्ट भी करवाए हैं, श्रीनगर में भी हुए हैं, जम्मू में भी हुए हैं, तो डिस्ट्रिक्ट पोल्स में भी स्पेशली आपके सामने टेस्ट किया गया है, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मार्केट की तो चेकिंग रूटीन की है ही है, वो की है हमने। माह रमज़ान में तमाम लोगों को अवेयर किया हमने कि कोई सब्जी में रेट में कोई वायलेशन ना करे और सफाई में कोई कमी ना रहे, तमाम फूड आइटम जो हैं रमज़ान में अच्छे से बिके, और साफ सुथराई का तमाम लोगों को हमने ये तलकीन की है कि साफ सुथराई रहनी चाहिए। अगर एक्सपायरी कोई भी मिली, हमने तो एक सैंपलिंग ली है, उसके बाद अगर हमें किसी जगह भी और मिलेगी तो हम उसका उस शख्स को चलान किया जाएगा। के लोगों को और व्यापार मंडल को मेरी तरफ से ये अर्ज होगी कि हर आदमी दूसरे आदमी को ये गाइड करे कि हम सब मिल के हमने सब ने सफाई रखनी है, और समाज में और माशरे में स्पेशली सुनकोट में जैसे मेंढर में जैसे पुंछ में मंडी में तमाम लोगों ने मिल के इस सफाई का जो है
वो बेड़ा उठाना है और हमें सफाई रखनी है और लोगों को अच्छी फूड और सेफ फूड देनी है।